एक सवाल ये भी आया है कि आमतौर से लोग तो अपने घर में रह रहे हैं लॉकडाउन पीरियड में कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन घर में रहने की वजह से बहुत सारे लोग बोर हो जा रहे हैं, खास करके खवातीन, तो वो क्या कर रहे हैं अपने अपार्टमेंट में या अपने आस पड़ोस में, घर में जाकर किसी के घर पर मेहमान बन के चले जा रहे हैं, थोड़ी देर तक हम आपके पास बैठते बातचीत करेंगे तो टाइम थोड़ा सा सर्फ हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में बहुत सारे लोग ऐसा भी सवाल कर रहे हैं कि अब तो मेहमान आने से भी हमें डर लग रहा है कि मेहमान हमारे घर पर आए तो हम मना भी नहीं कर सकते चूंकि मेहमान है, हम उसको इज्जत भी देना है, और दूसरा मेहमान आने से हमको हमारी जान का भी डर लग रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, तो ऐसी सूरत में आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये अपील करूंगा कि आप अपने घर में रहें, क्योंकि अगर आप सामने वाले घर में जाते हो, अगर उसका दिल नहीं चाहता है कि आप उसके घर में आए तो भी बेचारा कैसे बोल पाएंगे, आने के बाद बोलेंगे चलो घर से निकल के जाओ, नहीं बोलेंगे बेचारा, लिहाजा मैं अपील करूंगा लोगों से कि वो अपने घर में रहें, नहीं पड़ोस में तो मेरा घर है, पड़ोस में तो मेरे फलां का घर है, हालांकि हो सकता है वो नहीं चाहते हो सकता है आपके घर के बच्चे पूरे दुनिया घूम रहे हो ऐसे लॉकडाउन में भी, फिर उनके घर पे भी जा रहे हो और वो बेचारे अपने आप को क्वारंटाइन या क्वारंटीन करके रखे हुए हैं और वो आइसोलेशन में है, फिर आपके बच्चे वहां जा रहे हैं, वो बेचारा बोल भी नहीं सकता कि निकलो चूंकि रिश्ते खराब हो जाएंगे, तो मैं अपील करूंगा कि बिल्कुल भी ना जाए, अगर किसी के पास जाते हैं तो पहले उससे पूछे क्या हम आपके पास आए, क्या वो भी किसके पास, बिल्कुल जैसा पड़ोस है दो लोग हैं एक साथ ही रहते हैं एक ही बाड़े में रहते हैं, पूछे अगर वो बोलता हाँ आए, चूंकि हो सकता है आपका पड़ोसी दरवाजा बंद करके बैठा हो 20 दिन से, सामान भी बाहर से दे रहा हो ले रहा हो किसी से मंगा के, और आप उसके घर में जाके खेल कूद कर रहे हैं तो उसको डर लगेगा, तो नेचुरली मैं कहूँगा पहले पूछे कि मैं पड़ोस में हूँ आपके आऊँ क्या, अगर बोलते हैं तो ठीक, लेकिन मैं कहूँगा अपील तो ये करूँगा बिल्कुल भी मत जाए, ना जाइए बेस्ट है, बिल्कुल बाजू घर भी है तो ना जाए, एक बाड़े में रहते भी ना जाए, जितनी एहतियात करे जितना आइसोलेशन करे जितना एक दूसरे से दूर रखे, मैं समझता हूँ उतना ही हमारे लिए खैर का बायस बनेगा, एहतियात का बायस बनेगा, फिर बीमारी का आना वो अल्लाह की तरफ से एहतियात करना मेरा और आपका काम है। एसेंशियल सर्विस। अस्सलामु अलैकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल हासिल करने के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और सवाब के हकदार बने। रोजाना हमारे नए वीडियोस पाने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए IDs को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।